मेरी तबीयत थोड़ा सा भी नहीं ठीक है। कल रात भर मैं नहीं सो पाई, तेज फीवर, सर्दी खांसी, सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, आँख खोल के नहीं देख पा रही हूँ, और रात भर कमर दर्द। डिलीवरी के समय जो लेबर पेन उठता है ना, जैसे मानो वो लेबर पेन उठा। इतना दर्द ऋषि होने के बाद ना कभी नहीं हुआ। ऋषि हुई अभी 20 महीना हो गया है, बस वो डिलीवरी के समय जो पेन उठा था ना, सेम वही पेन कल रात भर बर्दाश्त की मैं। 9 बजे से लेकर स्टार्ट हुआ और अभी 9 बज रहे हैं, 12 घंटा हो गया, बहुत ज़्यादा दर्द है। शायद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो सकती हूँ, क्योंकि जब पिछले बार डिलीवरी के समय ऐसा लेबर पेन स्टार्ट हुआ था तो मुझे सलाइन दिया गया था दर्द को कम करने के लिए। कल मैं रात भर नहीं सोई, अभी भी सुबह नींद से उठी, एकदम चक्कर आ गया, उठ नहीं पाई, लेटी हुई हूँ। इसलिए शूट कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि सब लोग वेट करते रहते कि दिया ब्लॉग नहीं डालते, ब्लॉग नहीं डालते। और सबसे बड़ा मेन रीज़न है वीडियो बनाने का, आप लोग दुआ करते हो ना, वो दुआ में बहुत ज़्यादा असर होता है। मैं खुद फील की हूँ, जितनी भी बारिश बीमार पड़ी है, मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आया है, आप सब लोग एकदम दिल से दुआ करते हो ना, सारा ठीक हो जाता है, इशू ठीक हो जाती है, मेरा प्रॉब्लम भी चले जाता है। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि ठीक नहीं होंगी ना तो इशू को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। उसको पहली बार ऐसा हुआ कि रात भर उसको मैं फीडिंग नहीं करवाई, नहीं तो रात को 3-4 बार उठ के दूध पी दिए उसको, वो पी नहीं, वो रात भर रो रही थी, चिड़चिड़ कर रही थी। सुबह भी मेरे पास आई 4-5 बार, मैं हिम्मत ही नहीं है। प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करना, जल्दी से मैं रिकवर करूं। शायद मेरी आज शाम की ब्लॉग नहीं आएगी, देखती हूँ मैं, और आधा घंटा देखूँगी, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती है तो फिर मैं हॉस्पिटल चली जाऊँगी और मैम को बोलूँगी मुझे 2 दिन के लिए एडमिट कर लीजिए। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि 2-3 दिन से इतना वीकनेस, चक्कर चक्कर लगता है, सर घूम जाता है, आंखों के सामने काला काला हो जाता है, और अभी ये हाल। मैं जहाँ पे इंजेक्शन लगा है ना रीढ़ की हड्डी में, जब बच्चा पैदा करते टाइम सीजर में इंजेक्शन लगाते, वो पूरा पोषण पकड़ा हुआ है, इतना दर्द, इसकी मौसी 1 घंटा दबाई है मेरा कमर, फिर भी दर्द कम नहीं हुआ। एक कॉम्बी फ्लेम खाई हूँ सुबह, फिर भी कम नहीं हुआ है। थोड़ा सा वेट करूँगी, 11 बजे का फ़ोन करूँगी हॉस्पिटल में कि मैम है कि नहीं, अगर मैम है तो यहाँ से कैब करके ओला करके चले जाऊँगी। गरीबी में और आटा गीला,